कुकिंग विथ राखी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जो बहुत आसान है और फटाफट बनने वाली है। आज मैं सबसे पहले कुकर में मैंने 250 ग्राम पालक ली है, हरी पालक है, इसको पहले मैंने धो लिया है और इसको पहले मैं उबाल देती हूँ। सबसे पहले इसको पालक पनीर बनाने के लिए उबालना बहुत ज़रूरी है। बस दो सीटी हम लगाएंगे उबालने की कुकर बंद करने के बाद। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे क्योंकि पालक में वैसे ही कुकर की सीटी में पानी आ जाएगा। कुकर में दो सीटी लगाने के बाद मैंने पालक अपनी निकाल ली है। इस तरह से ये पालक अपनी तैयार होगी। थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं इसको मिक्सी में पीसती हूँ। पालक दो सीटी उबालने के बाद मैं पनीर भी थोड़ा सा पानी में उबाल रही हूँ जिससे सॉफ्ट हो जाएंगे। मेरे पहले दोस्तों 5-6 लहसुन की कलियाँ लगेंगी, थोड़ा सा एक आधा चम्मच गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, राई छोटे दाने वाली राई, एक चम्मच जीरा, मीठे नीम के पत्ते, हींग स्वादानुसार जैसा आप खाते हैं, नमक, दो लाल मिर्ची और दो हरी मिर्ची जो मैंने टुकड़े कर लिए हैं सूखी टाइप की है ये, और मेथी और हरी धनिया। और इधर मैंने क्रीम लिया है जो बाद में मैं बताऊँगी इसका क्या करना है अपन को। और मैंने दो प्याज लिए कटी हुई और 3 टमाटर लिए हैं जो मुझे अभी मिक्सी में पीसना है, और पालक भी मिक्सी में पीसना है। तो ये दो चीज़ मुझे पीस के तैयार रखना है तब हमारी सब्ज़ी बनना स्टार्ट होगी। पालक पनीर बनाना हम स्टार्ट करते हैं, गैस चलाते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम तेल। फ्रेंड्स, पालक पनीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई चला ली, गर्म हो गई और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। आपके घर में जैसा खाया जाता है उसके हिसाब से तेल डालिए आवश्यकता अनुसार। हमारा तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम राई डालेंगे, उसके बाद हम ये दो लाल मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, इसको थोड़ा सा चलाएंगे हम। उसके बाद हम जीरा डालेंगे, मेथी पाउडर डालेंगे, फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे रंग अच्छा आता है और सब्जी थोड़ी स्वादिष्ट लगती है। थोड़ा सा हम खड़े मसाले में डाले हैं तो मैं एक थोड़ा सा ट्रिक देती हूँ कि हम मसालों को ही इसमें तड़का देंगे तो उसमें वही फ्लेवर आता है जो खड़े मसालों का आता है। गैस धीमी कर देंगे, जल ना जाए, और थोड़ी सी हींग डालेंगे अपने हिसाब से जैसा आप खाते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा हम चलाने के बाद इसमें हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे और थोड़े से मीठे नीम के पत्ते, और उसके बाद हम अपना जो 3 टमाटर 2 प्याज का हमने मसाला पीस लिया था ये हमने भून लिया, और फिर नमक डालेंगे, पालक पनीर है पालक में नमक कम ही डालें क्योंकि पालक में नमक वैसे ही बहुत होता है। इसको अब हम अच्छा भूनेंगे। इसको 15 मिनट अभी हमें मसाला भूनेंगे जब तक इसमें हमारा तेल ना छूटा हुआ दिखे हमको, जब तक हम सब्जी भुना हुआ नहीं मानेंगे। जब तक थोड़ा तेल भुन जाएगा तो सब्जी और भी अच्छी टेस्टी लगेगी खाने में। अभी हमको इसको थोड़ा और भूनना है। अभी इसको थोड़ा भूंजा नहीं है, अभी तेल इसका कम छूटा है। जितना अच्छा थोड़ा भूंजेगा सब्जी और स्वादिष्ट लगेगी। इसको भूनने में कम से कम 5-6 मिनट और लगेगा। अपन इसका थोड़ा सा भून जाए तो ये घर में ही ढाबा स्टाइल जैसे पनीर अपन कम मसालों में बना सकते हैं जो खाने में बिल्कुल ढाबा जैसी होटल जैसी लगती है। हम अपने शौक घर में भी कम मसालों में पूरे कर सकते हैं। मसाला हमारा लगभग भूनने वाला है, कढ़ाई से तेल छूटने लगा है। मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम डाल रही हूँ, दूध भी डाल सकते हैं, मैं क्रीम डाल रही हूँ जो आपने क्रीम लिया हुआ था उसी में से। ये घर का ही क्रीम है, बाजार का नहीं है, सब कुछ घर का है। पनीर भी मैंने घर में ही बनाया है।
अब इसमें पालक डाल के मैं थोड़ा सा ग्रेवी को और भूनूंगी। इसको भी थोड़ा सा पालक भी हमारी अच्छी भून जाएगी। वैसे ही वो कुकर में उबली हुई है लेकिन थोड़ा सा मसाला में भूजेगी तो और बहुत ही लजीज लाजवाब लगेगी खाने में। इसको हम नान रोटी के साथ, चावल दाल, कैसे भी जिस तरह से खाना चाहे, पराठा, रोटी, पूड़ी, सब तरह से खाई जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से पालक पनीर नान रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। बनाते हैं हम सब कुछ है लेकिन कुछ अच्छा बनाने के लिए थोड़ी टाइम दे के ट्रिक लगा दें तो कम समय में हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और समय की बचत होती है, उसकी जगह पर हम दूसरे कुछ काम कर सकते हैं। अभी हमारी पालक तेल नहीं छोड़ा है, जब पूरा तेल छोड़ेगा तभी हम इसमें पनीर ऐड करेंगे क्योंकि पनीर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बस ये सब्ज़ी तेल छोड़ने ही वाली है थोड़ी देर में, फिर इसमें हम पनीर ऐड करेंगे तो हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी तैयार है। थोड़ा सा इसको अच्छा भूनते, थोड़ा टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। 5 मिनट का और टाइम ले रहा है बस ये। बस ये सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगी है और हमारी सब्ज़ी पनीर के लिए थोड़ा सा डालने के लिए तैयारी है। मैं अब इसमें पनीर ऐड करती हूँ। मेरा घर का पनीर बना है, देखिए इतना सॉफ्ट है, घर का पनीर है ये। मैं इसमें डालती जा रही हूँ पालक पनीर की सब्जी बन के तैयार है। अब मैं इसे सर्व करके आपको बताऊंगी पूरी पालक पनीर जो घर में बना सकते हैं। पालक पनीर मैंने गैस बंद कर दी है, दो थोड़ी देर पालक को आप ठंडी गैस कढ़ाई पे छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी जम जाएगी तो और अच्छी लगेगी और गर्म गर्म भी परोस के खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए हमारी पालक पनीर तैयार है। सर्व करती हूँ। इसमें मैंने ऐसे क्रीम डाल दिया और थोड़े से मीठे नीम के पत्ते। मेरी सब्जी बनके पालक पनीर की तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, पालक पनीर का स्वाद लीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।